एक सींग वाला गैंडा या जिसे हम भारतीय गैंडा बोलते हैं, गैंडों की सबसे बड़ी प्रजाति है। साथ ही ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले हाथी के बाद दूसरे सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं। इन्हें इनके गहरे भूरे रंग, नाक के ऊपर एक सींग और त्वचा में दो बड़े तह, जिसकी वजह से ये एक बख्तरबंद जैसे प्रतीत होते हैं, से पहचाना जा सकता है। देखने में ये एक प्राचीन डायनासोर जीव जैसे प्रतीत होते हैं। इनकी ये विशेषताएं इन्हें गैंडों की चार अन्य प्रजातियों से अलग करती हैं। वैसे तो इनके शरीर पर बाल नहीं होते, पर इनके पूंछ के सिरे तथा कानों के सिरों में बाल पाए जाते हैं। इनके नवजात गुलाबी भूरे रंग के होते हैं और उनके सींग का विकास 1.5 वर्ष की आयु के समय से होता है। सामान्यतः ये अकेले रहना पसंद करते हैं, पर मादा अपने बच्चों के साथ देखी जाती है। नर गैंडे अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। भारतीय गैंडों का वैज्ञानिक नाम है राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस, जिसमें राइनोसेरॉस ग्रीक भाषा के शब्द राइनो, जिसका अर्थ है नाक, तथा सेरॉस, जिसका अर्थ है सींग, तथा यूनिकॉर्निस, लैटिन भाषा के शब्द यूनि, जिसका अर्थ है एक, तथा कॉर्निस, जिसका अर्थ है सींग, अर्थात नाक पर एक सींग वाला जीव। प्राचीन समय में भारतीय गैंडा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों में बहुतायत में पाए जाते थे, परंतु वर्तमान में इनकी आबादी ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के कुछ क्षेत्रों तथा भारत और नेपाल के तराई के क्षेत्रों में और हिमालय पर्वत की तलहटी में पाई जाती है। इनकी सबसे ज्यादा आबादी के क्षेत्र भारत में काजीरंगा तथा नेपाल में चितवन नेशनल पार्क है। एक समय इनकी आबादी पर अवैध शिकार के चलते बड़ा खतरा मंडरा रहा था, परंतु संरक्षण के प्रयासों तथा कठोर सुरक्षा के चलते इनकी आबादी 100 से अब 3,700 के करीब हो गई है। गैरकानूनी रूप से भारतीय गैंडे के सींग के व्यापार के लिए अवैध शिकार इनके संरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इनके सींग का प्रयोग परंपरागत एशियाई दवाओं में मिर्गी, बुखार तथा कैंसर के इलाज के लिए होता है। वैसे इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ये सींग सिर्फ एक सघन बालों के गुच्छों के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि केराटिन नामक पदार्थ से बने होते हैं, जिनसे हमारे बाल और नाखून भी बने होते हैं। भारतीय गैंडे वनों के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गैंडे बड़े तृणभक्षी जीव होते हैं, जो छोटे एवं बड़े घास के मैदान में चरकर उसे अन्य तृणभक्षी जीवों के उपयोग लायक बना देते हैं। इनके संरक्षण से अन्य वन्य जीवों के संरक्षण में भी मदद मिलती है। सामान्यतः इनकी आयु जंगल में 40 वर्ष होती है, पर चिड़ियाघर के सुरक्षित माहौल में ये 45 वर्ष तक जी सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पहला नर गैंडा सन 1962 में आया था और 3 साल तक अकेले रहने के बाद उसे एक साथी मिला, जब 1965 में असम चिड़ियाघर से एक मादा गैंडे को यहां लाया गया। वर्तमान में दिल्ली चिड़ियाघर में 2 मादा गैंडे हैं, जिनका नाम माहेश्वरी तथा अंजुहा है। माहेश्वरी का जन्म 27 नवंबर 1997 को हुआ था और अंजुहा का जन्म माहेश्वरी एवं अयोध्या नामक गैंडे के मिलन से 10 नवंबर 2005 को हुआ था। अंजुहा के पिता अयोध्या को बाद में पटना जू भेज दिया गया था।